टू माइंड माइन टूटोरियल्स आर टूडेज टॉपिक इज कोर्टिप इन बर्ड्स एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रीप्रोडक्टिव बिहेवियर इन एनिमल्स इसमें हमने फिशेज या फिर जो भी इससे uh, पहले इंसेक्ट्स या स्कॉर्पियन ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें लाइन वाइज पार्ट फर्स्ट हमने कोर्सशिप का जो बिहेवियर हो सकता है इन एनिमल्स में देखा था और लेटेस्ट में हमने फिशेज के बारे में uh, जो कोर्सशिप बिहेवियर हो सकता है उसको कंप्लीट करा था एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ कोर्सशिप इन बर्ड्स सो वी आर गोइंग टू गिव अडिंग राइट नाउ सो कोर्सशिप इन बर्ड्स हम लोग आज कोर्सशिप इन बर्ड्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसके बाद कोर्सशिप इन मेमल्स टॉपिक आता है जनरली तो एक एक करके हम हर चीज को यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गिव अडिंग टू द टॉपिक एंड ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का ही एक पार्ट है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं अब स्टार्ट करते हैं जो कोर्टशिप रहती है बर्ड्स में वो हमेशा से ओल्ड डेज से भी हम बात करें तो हमेशा एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट रही है जो बर्ड्स रहती है वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्टशिप एक्टिविटीज को शो करती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जनरली ब्रीडिंग सीजन में ही ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो जो कोर्टशिप के बिहेवियर है जो कि बर्ड्स शो करते हैं वो ब्रीडिंग सीजन में ही देखने को मिलते हैं दूसरी बात ज्यादातर मेल बर्ड्स जो होते हैं सिंपली अपने स्पेशल ब्रिलियंट प्लमेज को ही शो करके अपने कोर्टशिप एक्ट्स को कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये बात यहाँ पर बहुत कॉमनली नोन है कि बर्ड्स में मेल्स ज्यादातर जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं ड्यू टू देयर प्लमेज उनके जो फेदर्स होते हैं उनका फेदर्स का पूरा वो जो पोर्शन होता है जिसको प्लमेज का नाम दिया जाता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और फीमेल बर्ड्स के कंपेरिजन में मेल ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं तो कोर्टशिप के अंदर जनरली मेल्स अपने प्लमेज को शो करके ही कोर्टशिप के जो एक्ट होते हैं उनको पूरा कर लेते हैं आ, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पीकॉक में मेल पीकॉक जो रहता है जिसको हम पीकॉक ही कहते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है एज कम्पेयर टू पी है पीहैन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है दूसरी बात की कर अगर बात हम यहाँ पर समझें तो अपने स्पेशल ब्रिलियंट प्लमेज को वो फीमेल्स को शो करते हैं जिसमें वो सीरीज़ ऑफ़ पोस्टर्स वॉकिंग एक अपराइट प्राउड वे में एक अलग ही प्राउड वे में वो वॉकिंग शो करेंगे और कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ और डिस्क्रीट मैनर के अंदर भी वो कोर्टशिप के एक्ट्स को पूरे कर सकते हैं कभी कभी वर्ड्स प्लमेज नहीं शो करते तो सॉन्ग्स की मदद से भी uh, कोर्टशिप के एक्ट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो सॉन्ग्स जो होते हैं वो एक तरह का सीजनल कॉम्प्लेक्स होता है अकाउस्टिकल पैटर्न कंट्रोल का तो अकाउस्टिक अकाउस्टिक पैटर्न ठीक है एक तरह सॉन्ग्स में क्या होता है अकाउस्टिक पैटर्न रहता है जो कि प्राइमरीली जो मेल्स होते हैं कोर्टशिप के टाइम पर उसको इमिट करते हैं तो एक हर स्पीशीज के अंदर अपनी आ, एक पैटर्न रहेगा जिसके फॉर्म में वो आ, उस सॉन्ग को आ, जनरली गाते हैं या फिर सिंग करते हैं और दूसरी बात अगर हम बात करें तो नॉर्मली बर्ड्स नॉर्मल सीजन में भी ब्रीडिंग सीजन के अलावा सीजन की भी बात करें तो सिंगिंग शो करती है लेकिन वो जो पैटर्न रिप्रोडक्टिव सीजन में या फिर ब्रीडिंग सीजन में देखने को मिलता है वो नॉर्मल सीजन में नहीं देखने को मिलता है तो ये पॉइंट्स को आपको यहां पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में ऐड करना है मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करती हूँ पीकॉक का इसकी हम डिटेल समझते जाएंगे एक एक प्रोसेस को यहाँ पर समझेंगे देन आपको यहाँ पर पहली चीज कोर्टशिप में किस तरह से हो सकती है बर्ड्स के अंदर वो समझ में आने लगेगा पीकॉक क्या होता है आपको पता ही है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एनिमल्स है इसमें जो मेल बर्ड्स होते हैं उनका जो कोर्टशिप डिस्प्ले होता है वो ये मतलब कोर्टशिप डिस्प्ले वो करती है इसलिए ताकि जो फीमेल है वो उसको वहां पर कहीं ना कहीं उसके हार्ट को विन कर सके ये यहाँ पर उसका रीजन रहता है सो पीकॉक क्या करेंगे डांसिंग ऑफ पीकॉक जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो देखने को मिलती है

तो पीकॉक यहाँ पर डांसिंग या फिर इरेक्ट होना नेक के थ्रू ये सारी चीजें फैनिंग हो गया फ्लफिंग आउट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लमेज हो गया ये सारी चीजें पीकॉक पीहेन के सामने शो करते हैं तो आप यहाँ पर लिख लेंगे फ्लफिंग फ्लफिंग आउट ऑर्नामेंटल प्लमेज क्योंकि इसके जो पंख होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे यू आना चाहिए था अट्रैक्टिव होते हैं एक और थोड़ी सी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात अगर हम कर रहे हैं अगर पीकॉक के बारे में तो पीकॉक ऐसे एनिमल्स होते हैं अगर इंडिया के पीकॉक्स की हम बात कर लें तो इनका जो कोर्ड से बिहेवियर होता है वर्चुअली अगर हम बात करें पूरे ईयर पूरे साल भर ये अपना कोर्सिफ बिहेवियर शो करते हैं लेकिन जो पी पीहेंस होती हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो पॉपुलेशन प्रोसेस होगी उसको मानसून के अंदर ही स्टार्ट करती है जो मानसून रेन होती है उसी में स्टार्ट करने देती है तो पीकॉक जो होंगे आप याद रखेंगे पीकॉक के बारे में ऑल इयर राउंड ऑल इयर राउंड ये क्या करते हैं कोटशिप का कोट करते हैं या फिर कोट करने का आप लिख सकते हैं सो दे कोट ऑल इयर राउंड पी कोक बट पीहेन ओनली अलाउज कॉप्यूलेशन इन मानसून मानसून ही लिख दीजिए आप जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं तो ये आपको याद रखना है और आगे की बात करते हैं ग्रीनेस्ट टाइम जब होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया यानी कि जैसे अगर आप इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से अगर मान लीजिए हम हमारे इंडिया में जो आ, मैप है कुछ इस तरह से तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नॉर्थ वाला पोर्शन होता है ये तो आपको पता है इधर वाला वेस्ट होता है नीचे वाला साउथ होता है और इधर वाला ईस्ट होता है तो ये जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है ये ऊपर वाला ऊपर वाला पोर्शन जब यहां पर ग्रीनरी सबसे ज्यादा होने लगती है ग्रीनरी उस टाइम पे पीकॉक में रिप्रोडक्शन शुरू होता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इस सीज़न के अंदर जो उनके यंग वंस रहते हैं छोटे बच्चे रहते हैं उनको वो प्रॉपरली रियर कर पाते हैं उनकी देखभाल कर पाते हैं क्योंकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं प्लांट्स ब्लॉसम करते हैं प्लांट्स में फ्रूट आते हैं तो उनके ऑफ भी ईजीली हर तरह का खाना वहाँ पर खा पाएंगे तो जब ग्रीनरी अच्छी होगी तो प्लांट्स भी अच्छे होंगे तो इनके जो बच्चे होंगे पीकॉक और पीहन के वो भी ईजीली ग्रो हो पाएंगे रेयर हो पाएंगे आगे की बात करते हैं पीकॉक क्या करते हैं एक टेरिटरी बनाते हैं मान लीजिए पीकॉक है पीकॉक तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल डायग्राम बना रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव बर्ड है और उसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है पर मान लीजिए ये कोई पीकॉक है तो ये क्या करेगा अपनी टेरिटरी बनाएगा टेरिटरी तो टेरिटरी का मतलब तो आपको पहले से ही पता है अब जब वो टेरिटरी बनाते हैं तो अगर ये टेरिटरी इन्होंने बना ली तो दिन भर ही अपनी टेरिटरी में रहते हैं अगर मान लीजिए इनको टेरिटरी से बाहर भी निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में ही अपनी टेरिटरी को ये छोड़ते हैं वरना पूरे दिन भर ही अपनी टेरिटरी में ही रहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं साथ में थोड़ी थोड़ी फ्लाइंग थोड़ी थोड़ी ग्लाइडिंग ये शो करते हैं जैसे कि ट्रीज पर उड़ते हैं ज्यादा उड़ने वाला एनिमल नहीं है पीकॉक के बहुत अच्छे से आराम से दूसरे बर्ड्स की तरह उड़ता है ऐसा नहीं है नॉर्मल फ्लाइंग और नॉर्मल ग्लाइडिंग शो करते हैं फ्लाइंग और ग्लाइडिंग बहुत नॉर्मल वे में पीकॉक शो करते हैं फ्लाइंग और ग्लाइडिंग बहुत कमी से शो करते हैं और ट्रीज के ऊपर ही रेस्ट करना पसंद करते हैं ट्रीज के ऊपर जाएंगे और और वहां पर पर रेस्ट करेंगे और फिर वहीं उनकी स्लीपिंग प्रोसेस भी रहेगी ये सारी बातें होगी अब जो कोर्टशिप के डिस्प्लेज होते हैं पीकॉक में उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्मल सी प्रोसेस है डांसिंग है तो डांसिंग है ऐसा नहीं होता अच्छी खासी उसमें आ, एक्ट्स होते हैं जो कि पीकॉक पूरी तरह से परफॉर्म करते हैं तो कोर्टशिप के डिस्प्लेज में आप क्या याद रखोगे यहाँ पर कि इनका जो डिस्प्लेस होता है उसमें सीक्वेंस देखने को मिलता है एक्टिविटीज का सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बहुत सारी प्रोसेसेस होती है दूसरा पीकॉक क्या करते हैं अनफोल्ड करना लिफ्ट करना उनके जो लॉन्ग और ब्यूटीफुल फेदर्स है मतलब उनको तो उनके जो फेदर्स है उनको ऊपर ले जाना नीचे लाना अपनी टेल को एक शील्ड की तरह यूज करना तो टेल को शील्ड की तरह यूज करेंगे अलग अलग तरीके से अपनी प्रोसेस को वहां शो करते हैं टेल को शील्ड करना लॉन्ग और ब्यूटीफुल फेदर्स को शो करना उनके लॉन्ग ब्यूटीफुल फेदर्स को वो शो करते हैं उसके बाद जो आई स्पॉट्स होते हैं उनके फेदर्स के ऊपर वो क्या करते हैं जो रेस्ट ऑफ द फेदर्स उससे कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो उनके जो आपने देखा होगा मोर का जो पंख होता है वो कुछ इस तरह से होता है एक सेकेंड हम इसको प्रॉपरली बनाते हैं थोड़ा सा इस टाइप से होता है अब यहाँ पर क्या होता है एक इस तरह का पोर्शन होता है फिर ऐसे सजा हुआ होता है वो तो बीच में एक कुछ जो स्पॉट्स होते हैं उसको आई स्पॉट कहा जाता है आई स्पॉट तो ये जो पीकॉक के आई स्पॉट्स होते हैं उसके पंख के अंदर वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग दिखाई देते हैं बाकी फेदर्स के ऊपर जो कि शाइनिंग ग्रीन से लेकर रेड ब्राउन टू लाइट ब्लू तक हो सकते हैं जो कि लाइट पर डिपेंड करता है वो किस तरह से दिखाई देगा अगर आप लाइट में उसको अलग अलग एंगल्स पर देखेंगे तो उसके कलर्स अलग दिखाई देते हैं तो जिस तरह की लाइट होती है उसी तरह से उसके जो पंख होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं मेल पीकॉक जो रहता है अपने ब्यूटीफुल टेल फेदर्स को फैन भी करता है टू अट्रैक्ट अ फीमेल इन इंस्टेड इनफैक्ट अगर हम बात करें तो uh, वो एक तरह से uh, मतलब कहना चाहिए हेल्दी ऑफस्प्रिंग को फॉर्म uh, कर सके ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि उसके uh, सब चीज उसकी परफेक्ट है तो वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग को वहाँ पर प्रोड्यूस करने की कैपेबल है वो ये शो करता है बेसिकली दूसरे और पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं कि जब बहुत सारे पीकॉक्स मान लीजिए एक एक ही प्लेस पर बहुत सारे पीकॉक्स अगर रहते हैं सब ने अपनी टेरिटरी भी बना रखी है तो पीकॉक्स क्या करते हैं जब डांसिंग शो करते हैं तो सभी जनरली एक ही टाइम पर डांसिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन हमेशा अगर वो डांसिंग स्टार्ट करें तो एक दूसरे से दूर दूर खड़े होते हैं ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं होता दूर दूर खड़े होते दे ऑलवेज स्टैंड अपार्ट और कभी भी एक दूसरे के पीछे की तरफ खड़े होकर वो डांस को परफॉर्म नहीं करते पीहेन की बात करूँ तो वो धीरे धीरे पीकॉक

अर पीकॉक पीकॉक प्रिटेंट्स और फिर क्या प्रिटेंट करती है सर्च ऑफ फूड सीम्स टू इग्नोर सीम्स टू इग्नोर डांसिंग पीकॉक ठीक है उसके बाद पीकॉक जो है वो भी अप्रोच करता है पीहेन की तरफ आगे बढ़ता है और आगे पीछे दोनों तरफ स्मॉल स्टेप्स लेता है डांसिंग के अंदर ही मान लीजिए वो डांसिंग कर रहा है तो वो थोड़ा सा आगे भी आएगा उसी डांसिंग के प्रोसेस में और पीछे भी जाएगा तो कुछ इस तरह का प्रोसेस वो शो करता है इसी टाइम पर वो अपने ब्यूटीफुल फेदर्स को और अच्छे से शो करता है उनसे फेनिंग करता है रिदमिकली जिसमें वो पूरा आउटस्प्रेड फेदर्स को शो करता है और उनको पीछे ले जाता है आगे लाता है और एक लाइट मेलोडियस साउंड भी उसके फेदर्स के वाइब्रेशन में प्रोड्यूस होने लगता है तो जब अपने पंख को वो अलग तरह से ही लाएगा तो उसमें एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है साउंड और वाइब्रेशंस जो कि आवाज आती है उसके पंख में से ये बात समझ लेंगे आप ठीक है अब ये तो फैनिंग बिहेवियर हो गया आगे समझते हैं अगर अगर मान लीजिए वो जो फीमेल है वो रिसेप्टिव है तो वो वहीं खड़ी रहेगी पीकॉक के पास में मतलब कि अगर वो कैपेबल है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है तो वो वहीं खड़ी रहेगी फिर उसके बाद जैसे ही पीहेन जो रहती है वो आगे की तरफ आएगी पीकॉक की तरफ और वो एक तरह का टर्न वहां पर लेगी जिसमें वो उसका जो रियर पोर्शन होगा वो उसको शो करेगी तो अगर फीमेल की बात करें तो वो अगर कैपेबल है रिप्रोडक्शन की वो रिसेप्टिव है अगर पीकॉक सॉरी पीहेन अगर रिसेप्टिव है तो वो क्या करेगी रियर पोर्शन जो होगा रियर आर ई ए आर वो शो करेगी फाइनली अगर वो वहां पर मोटिवेटेड है अगर इन फॉर द मीटिंग सो शी विल टू हिज बैक साइड अप्रोच बाय वॉकिंग फ्रंट ऑफ हिम ये सारी बातों को आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बदले जो कॉक रहता है पीकॉक रहता है वो रिस्पोंड करता है बाय रसलिंग हिस्सा उसके जो टेल फेदर्स उनको रसल करने की कोशिश करता है तो टेल फेदर्स को वो क्या कर रहा है रसल करेगा रसलिंग आर यू एस टी एल आई एन जी तो मैं रसल लिख रही हूँ उसको और फिर उसके बाद वो बार बार सेम एक्ट परफॉर्म करता है राउंड घूमेगा जो कोर्सिप गेम है उसको रिपीट करेगा सेवरल टाइम जो अभी तक उसने सारी एक्टिविटी हरी उसको बार बार करता है वो परफॉर्म एट लास्ट अगर फीमेल वहाँ पर मोटिवेटेड है सो तो शी विल इन्वाइट टू तो कॉपोलेट बाई ऑफरिंग अर लोअर बैक एंड टू तो दी मेल वन एंड उसके बाद जो कॉक रहेगा पी रहेगा वो आगे की तरफ उसकी तरफ बढ़ेगा एंड देन देर परफॉर्म दी मेकिंग प्रोसेस आफ्टर तो ये सारी चीज़ें हाँ पर होती है जो आपको याद रखनी है और अगर मैं बात करूं तो जो पीकॉक होते हैं उसमें एक में, बहुत अच्छे से देखने को मिलता है मेल वन एंड फीमेल वन आफ्टर दैट जो पीकॉक फीजेंट रहता है वो वेल वाला रहता है और जो पीहेन रहती है अगर हम उसकी बात करें वो थोड़ी सी लेस अट्रैक्टिव प्लमेज की होती है तो अट्रैक्टिव प्लमेज तो मेल का होता है तो मेल का अट्रैक्टिव फ्लमेज होता है वहीं फीमेल का फ्लमेज लेस अट्रैक्टिव होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वट शुड वी से पीकॉक का कोर्टशिप बिहेवियर एंड आफ्टरवर्ड्स अभी कोर्टशिप इन जो बर्ड्स का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा है वो खत्म नहीं हुआ है इसके बाद और भी बर्ड्स है जैसे बोवर बर्ड्स हो गए और एल्बेट्रॉस हो गए फिर उसके बाद ग्रेट क्रेस्टेड क्रीब्स हो गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स है जो कि आपके कोर्सेज में रहती है और भी है जैसे कि uh, वीवर बर्ड है फिर नाइट एंगल हो गई शेफेंजेस हो गए तो आपको इनके नाम तो अभी मैं बता रही हूँ लेकिन हम लोग इसको डिटेल में एक एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो कोर्ट बिहेवियर होता है उसका स्टडी करेंगे फॉर नाउ वी आर स्टॉपिंग द वीडियो राइट नाउ एंड थैंक यू सो मच डोंट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग